हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलका स्पेशल किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही यम्मी टेस्टी लाजवाब अंडा राइस की रेसिपी। तो दोस्तों, अंडा राइस सबको पसंद आती है, तो क्यों रेस्टोरेंट या फिर होटल में जाके खाएं, तो चलिए हम घर पर बनाएंगे बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा राइस। तो उसके लिए मैंने यहाँ 4 अंडे लिए हैं और 3 आलू, उसको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, और बासमती राइस है मेरे पास, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ खड़े मसाले जैसे हरी मिर्च, इलायची काली बड़ी वाली इलायची, तेज़पत्ता, लहसुन, टमाटर, लौंग। और अब हम कुकर लेंगे, कुकर में हम ऑयल डालेंगे 3 टेबलस्पून। तो दोस्तों, इसको हम गरम करेंगे पहले, और अब हम अंडा लेंगे। अंडे को इस तरह से हम बीच में से कट करेंगे, ये देखिए, हमें पूरा कट नहीं करना है, हमें सिर्फ आधा कट करना है इस तरह से। तो हम सभी अंडों को इसी तरह कट करेंगे, और आलूओं के भी हम मोटे मोटे पीसेस करेंगे इस तरह से, ये देखिए, हमें बारीक में काटना है। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने आलूओं को भी कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम आलू और अंडे को डाल देते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुकर में आपको बना के खिलाएंगे अंडा राइस, वो भी खिले खिले हुए। सब कहते हैं हमारे कुकर में जब अंडा राइस बनाते हैं तो वो खुले नहीं बनते हैं, वो एकदम ऐसे खिचड़ी की तरह बन जाते हैं। लेकिन आज मैं इस तरह से, आप मेरे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके जो राइस अंडा राइस है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, बातों ही बातों में हमारे अंडा और आलू बॉईल हो चुके हैं। तो इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ प्लेट में, तो आप देख सकते हैं उसका कलर। हमें ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है। अब इसी तेल में हम खड़े मसाले डालेंगे, हमें तेल को निकालना नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इसमें खड़े मसाले डाले हैं, अब डालूंगी इसके अंदर मैं साबुत वाली बड़ी वाली इलायची, हरी वाली इलायची, काली मिर्च 15 से 20, लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट, हमें मिक्सी ग्राइंडर जार में नहीं इसको महीन पीसना है, हमें सिर्फ कूट के डालना है जिससे लहसुन की खुशबू अब अच्छी आए। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी हरी मिर्च, इसको थोड़ा सा भुनेंगे। इसको हम सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही तेल में फ्राई करेंगे अच्छे से। अब चलिए, इसके अंदर हम डालेंगे खड़े मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर भी मैंने यहाँ 1 चम्मच इस्तेमाल किया है, स्वाद अनुसार नमक, तो नमक मैंने यहाँ 3 चम्मच डाले हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ में डालूंगी चाट मसाला, अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, ये देखिए। तो
मसालों को पकने के लिए भी हम 5 मिनट लगते हैं। तो मसाला पकने के बाद हम इसके अंदर धुले हुए चावल डालेंगे। चावल आप कोई से भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। तो मैंने चावल डाल दिए हैं कुकर के अंदर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 4 गिलास पानी। पानी हमें चावल से कुछ ज़्यादा डालना है, क्योंकि चावल पकने के बाद फूल जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ 4 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी फ्राई किए हुए आलू और अंडे। तो मैंने आलू और अंडे को भी डाल दिया है। अब इसके अंदर डालूंगी कटे हुए टमाटर। और साथ में डाल देते हैं कसूरी मेथी। अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है। अब चलिए इसको हम कवर कर देते हैं और 1 सीटी आने तक इसको पकने के लिए रखेंगे। तो दोस्तों, हमारी 1 सीटी आ चुकी है और कुकर हमारा ठंडा भी हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम दिखा देते हैं। तो ये देखिए आप, हमारा अंडा राइस देख सकते हो। तो चलिए चम्मच की सहायता से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कितने खिले खिले हमारे अंडा राइस बने हैं। ये देखिए चावल का एक एक दाना अलग है। तो दोस्तों, अब चलिए इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ एक प्लेट लिया। प्लेट में चलिए निकाल लेते हैं अंडा राइस। ये देखिए, आप देख सकते हो इसका लुक कितना यम्मी और टेस्टी बना है हमारा अंडा राइस। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए गए अंडा राइस की रेसिपी आपको कैसी लगी, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को पूरा देखिए। और दोस्तों, आपको कौन सी रेसिपी देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो वो रेसिपी मैं आपके लिए लिख के आऊँगी। तो आज के लिए अंडा राइस भी हम ब्लॉक करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू की वॉचिंग।